Welcome to Inspire Chemistry. So in this video, I will discuss one important thing or one important exam, that is Central University Common Entrance Test, that is CUCET exam. ये exam में क्या होता है? जो India का जो best Central Universities, जैसे Central University of Rajasthan, Central University of Haryana, Central University of Jammu, Central University of South Bihar, Central University of Jharkhand, ये सब और भी सारे बहुत सारा Central Universities है. कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग से एग्जाम लेता है, उसको छोड़ के और भी जो जो ये जो जिसका नाम लिया वो और उसके साथ और भी पांच छह यूनिवर्सिटीज है, वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है. जैसे जैम का क्या होता है, सारे आईआईटीज का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है. ये टेस्ट में सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एक एग्जाम दोगे तो इतना सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इसमें अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, तो जिन बच्चों का जैम एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया उन लोगों के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में. जैसे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं BHU, HCU, JNU, प्लेन MSc के लिए और ये CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020. एंड जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन उसका जैम अच्छा नहीं गया, मतलब अंडर 400 या फिर 500 रैंक के अंदर नहीं है, तो उन लोगों को IIT नहीं मिलेगा. तो उन लोगों के लिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उसके लिए जैम का रिजल्ट के बाद IISER, जो 5-6 IISER है उसमें फॉर्म फिलअप कर पाओगे. JNCSR का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, 13 अप्रैल लास्ट डेट है. और उसके साथ है IISER बैंगलोर का भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, तो तुम फॉर्म फिलअप कर पाओगे. तो यहाँ पर क्या होगा, ये CUCET एग्जाम में बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स मैं ये बोर्ड पे लिखा हूं, तो लेट्स सी. तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा इस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 16 मार्च. आज 14 मार्च है, कल बाद परसों से इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कर पाओगे तुम. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा 11 अप्रैल को लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड एडमिट कार्ड इशू, फॉर्म फिलअप होने के बाद ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा, फिर एडमिट कार्ड इशू का जो डेट है 11 मई. ओके, मई 11 में तुम्हारा जो एडमिट कार्ड मई 11 से तुम उठा सकते हो, मतलब यहां से एडमिट कार्ड मिल जाएगा. तो एग्जाम डेट है 23rd और 24th मई. ये जो दो डेट है, दो डेट के अंदर एक यूजी का है एक पीजी का है. यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट. ओके, तो यहां पर तुम्हारा दो एग्जाम डेट है. उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा जून 24 को तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा. रिजल्ट मिलने के बाद प्रीवियस ईयर का जो यूनिवर्सिटी का कट ऑफ वो मैच करके तुम देख सकते हो तुम्हारा कितना रैंक आ सकता है. ठीक है, और यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जैसे यूजी के लिए जो क्राइटेरिया, तुम कैसे कौन कौन बंदे फॉर्म भर सकते हो, इसका एलिजिबिलिटी क्या है. इसके लिए यूजी के लिए 50% इन 12th बोर्ड एग्जाम में 50% मार्क्स चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए, 50% मार्क्स. ओके, उस वहां पर क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये किसी भी होगा तो चल जाएगा. उसके बाद आएगा यूजी का ही 45% इन 12th फॉर SC and ST और PWD के लिए, 45%. एंड इसके लिए भी सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, किसी का भी ये रहना होगा. और उसके बाद क्राइटेरिया फॉर पीजी दैट इज MSc करने के लिए, इंटीग्रेटेड PhD करने के लिए, जो है वो है 50% इन यूजी. यूजी मतलब BSc बैचलर्स में तुम कितने मार्क्स मिलेगा रिक्वायर है, 55% मार्क्स तुम्हारा चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए तो तुम अप्लाई कर पाओगे. उसके बाद है 50% फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए तुम्हारा 50% मार्क्स चाहिए. ओके, इन यूजी. और SC ST के और PWD के लिए 45% फॉर SC ST और PWD में बैचलर्स में तुम्हारा मार्क्स चाहिए. यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट, जैसे तुम जो जिस सब्जेक्ट में बैचलर्स किए या फिर उसका रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट में रहोगे तो तुम इसमें अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट, यहाँ पर टोटल 20 यूनिवर्सिटीज है. ठीक है, टोटल 20 यूनिवर्सिटीज में पहले था 15th स्टेट यूनिवर्सिटी. ओके, 15th यहाँ पर जो पिछले ईयर तक था सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बट इस बार में क्या हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी
plus one NIT, National Institute of Technology, Tiruchirappalli. So, Tiruchirappalli, State University or Central University, milake total 20 universities hai CUCET exam ke andar. ठीक है, तो तुम अप्लाई करोगे तो 20 यूनिवर्सिटी में तुम काउंसलिंग कर सकते हो, अच्छा मार्क्स मिलेगा. तो मतलब ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जैम एग्जाम के बाद. ओके, और जो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज का नाम लिख के रखा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा है एनआईआरएफ रैंकिंग के मुताबिक, क्या क्या है? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दैट इज सीयूएसबी, देन कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देन राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देन झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी. उसके ये सब छोड़ के और भी आसाम का सिलचर में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एनआईटी तिरुचिरापल्ली, और बहुत सारा साउथ मिडिल बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुजरात में दो तीन है, ये सब मिला के टोटल 20 यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड एनआईटी, वन एनआईटी मिला के 20 जो यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर पाओगे ये एग्जाम के थ्रू. तो यहाँ पर मैं जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स था मैं बता दिया. ठीक है, तो यहाँ पर है 76 सेंटर्स है, मतलब सारे स्टेट में एक तो है ही, दो तीन भी सेंटर हो सकता है. ठीक है, तो सेंटर के एग्जाम सेंटर के लिए दिक्कत नहीं है कुछ. और उसके साथ है एक क्राइटेरिया दिया हुआ है उसका वेबसाइट में कि एक सेंटर में 100 से कम जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब उस सेंटर में 100 से कम स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए अप्लाई करेगा तो वो सेंटर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल होने के बाद उसका आसपास में जो ये सेंटर है उसमें उन लोगों को भेज दिया जाएगा एग्जाम के लिए. तो फीस के बारे में एक बार बात कर लेता हूं. फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस ओबीसी और जनरल के लिए 800 रुपीज फॉर 20 स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब 20 नहीं 3-4 के लिए. और उसके बाद तुम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग, और भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करने के लिए और भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा. वो क्या, वो कहां पर मिलेगा, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सीयूसीटी एग्जाम का जो लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम देख सकते हो. और एससी एसटी के लिए उसका जो एग्जाम एप्लीकेशन फीस है 350. ओके, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, वो जस्ट एग्जाम दे सकते हैं. और इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई एग्जाम देना चाहेगा तो उसका 3500. ओके, सो ये तो था सीयूसीटी एग्जाम के लिए. सो सीयूसीटी एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिन बच्चे का जैम एग्जाम अच्छा नहीं गया, ये एग्जाम अच्छे से फॉर्म फिलअप करके अच्छे से प्रिपेयर करो. इसका प्रीवियस ईयर मिलेगा तो कर सकते हो, नहीं तो जैम का 10 ईयर्स और जैम का सिलेबस फॉलो कर सकते हो. सो इस एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए. इसके बाद बीएचयू एचसीयू और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू, दैट इज आईसीआर जेएनसीएसआर आईआईएससी बैंगलोर, ये सब आ रहे हैं. तो प्रिपेयर योर सेल्फ. सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.